सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बचपन से लेकर मृत्यु तक यदि किसी देवता का जीवन चमत्कारों से भरा है तो वो है स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, जो कभी सखा तो कभी प्रेमी, कभी रक्षक तो कभी मार्गदर्शक बनकर अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। जब भी जिस भी समय भक्त ने उन्हें पुकारा वे तुरंत उसकी रक्षा करने उसकी लाज रखने पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण के बारे में वे बातें जब भक्तों के बुलावे पर वो डोडे चले आए। भगवान श्री कृष्ण की लीला के किस्से तो अनेक है जिनका वर्णन करने लगे तो कई ग्रंथ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जिक्र करेंगे महाभारत काल से लेकर आधुनिक युग तक के कुछ प्रचलित किस्सों का जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज रखी। जब इंद्र के क्रोध से बचे गोकुलवासी, वैसे तो अपने बचपन में ही उन्होंने कागासुर जैसे अनेक राक्षस राक्षसियों का वध किया था और माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाने जैसे अनेक चमत्कार भी उन्होंने बाल्यकाल में ही किए। गोपालक के रूप में भी गौओं समेत गोपालक को भी कई बार संकट से उभारा था, कालियानाग पर नृत्य कर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन इंद्र देवता के क्रोध से समस्त गोकुल वासियों को बचाना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। हुआ यूं कि गोकुलवासी इंद्र देवता के कोप से बचने के लिए डर के मारे उनकी पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक बार उन्होंने इंद्र देवता की पूजा नहीं की थी। इंद्र देवता को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और वे गोकुलवासियों पर नाराज हो गए और जोरों से बारिश होने लगी। गोकुलवासी श्री कृष्ण की शरण में आए तो श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की और इंद्र देवता का अहंकार भी चकनाचूर हुआ। बाद में जब उनका अहंकार समाप्त हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने कृत्य पर क्षमा भी मांगी। जब रातों रात बदले सुदामा के दिन, जब भी कहीं दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम जरूर लिया जाता है। सुदामा बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे होते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं। सुदामा की पत्नी उन पर दबाव डालती है और अपने सखा श्री कृष्ण के पास उन्हें सहायता करने के लिए भेजती है। सुदामा थोड़े से कच्चे चावलों को पोटली में लेकर चल तो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यही शंका रहती है कि वे इतने सालों बाद अपने सखा से मिलेंगे, वो भी इस हाल में। ऐसे में वह कैसे उनसे मिलेगा, वह राजा और मैं एक भिखारी कैसे उनके सामने जाऊंगा और कौन उन तक मुझे पहुंचने देगा। खैर, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर सुनते ही दौड़कर द्वार पर आते हैं, अपने हाथों से सुदामा के पैर धोते हैं और प्रेम पूर्वक सुदामा से पोटली छीनकर कच्चे चावलों को खाते हैं। सुदामा तो उनसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन जैसे ही वे वापस अपने घर पहुंचते हैं तो सारा नजारा बदला हुआ नजर आता है। उन्हें समझ आता है कि बिना मांगे ही केशव ने उनकी इच्छा को भांप गए थे और अपनी लीला से उन्होंने रातों रात यह मंजर बदल दिया। इस प्रकार विपदा में फंसे अपने मित्र सुदामा को श्री कृष्ण ने सहारा दिया। जब द्रौपदी की बचाई लाज, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन कहते थे और द्रौपदी भी उन्हें अपना भाई, अपना सखा, अपना इष्ट देव मानती थी। जब भीष्म पिता, गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि समस्त पांडवों की उपस्थिति में दुर्योधन ने दुशासन को चीरहरण करने की कही तो द्रौपदी की पुकार को सभा में उपस्थित कोई भी गुरु, कोई भी बुजुर्ग, यहाँ तक कि पांडव भी ऐसा करने से उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने चीर चढ़ाकर उनकी रक्षा की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाली मीरा, जिन्होंने बाद में संत रविदास को भी अपना गुरु बनाया, उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की झलक देखने को मिलती है। मीरा ने अपने पदों में ऐसे अनेक उदाहरण पेश किए हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण की लीला दिखाई देती है। चाहे वो राणा द्वारा मीरा को मारने के लिए भेजा गया जहर का प्याला हो जो अमृत बन जाता है, कांटों की सेज
फूलों की बन जाती है तो सांप भी फूलों का हार बन जाता है। कुल मिलाकर ये तमाम कहानियाँ यही बयां करती है कि यदि सच्चे मन से कोई भी भक्त यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है तो जरूरत पड़ने पर जब भक्त की इज्जत पर बन आए या फिर समाज जब भक्त के जरिए उसके भगवान की परीक्षा लेना चाहता है तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अपने भक्त की लाज रखने जरूर आते हैं। उन्होंने तो कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।